हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये थाली जो है, जिसको आप लंच में या फिर डिनर में किसी भी टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ही क्विक बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही फुलफिलिंग होती है, साथ में बहुत ही लो कैलोरी होती है, जिसकी वजह से अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये थाली आपके लिए हो सकती है। और मैं फॉलो करती हूँ रुजिता दिवेकर इंस्पायर्ड डाइट प्लान, तो उस डाइट प्लान में ये थाली बहुत ही अच्छे से फिट हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस थाली में सबसे पहले मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। तो मिक्स वेज के लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स को ले लिया है और साथ में मैंने लिया है इसमें होममेड पनीर। तो आप अपने हिसाब से कोई भी वेजेस इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है गाजर और बीन्स लिया है, टमाटर है, मटर है, गोभी है और कैप्सिकम है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि बनने के बाद सब्ज़ी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गोभी को मैंने ब्लांच कर लिया है, गर्म उबलते हुए गर्म पानी में मैंने गोभी को डाल दिया था ताकि इसमें कोई भी कीड़े वेड़े हों वो सब निकल जाएँ। और इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक भी डालूँगी, थोड़ा सा जिंजर और सिर्फ एक ग्रीन चिली मैं इसमें डालूँगी क्योंकि मुझे इसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। साथ में थोड़ा सा मैं प्याज भी ले रही हूँ, तो प्याज और टमाटर का मैं पेस्ट भी डालूंगी और साथ में टमाटर चॉप करके भी डालूंगी। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये होममेड पनीर। ये मैंने घर में ही घी निकाला था, उसके बाद मैं उसमें पनीर भी निकाल लेती हूँ। तो पनीर मैंने ले लिया है, साथ में कैप्सिकम को मैंने चॉप कर लिया। साइज वेजीज को मैंने अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के हिसाब से किसी को छोटा किसी को बड़ा काटा है, तो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं डेफिनेटली। तो अब मैंने इस पैन में थोड़ा सा घी डाल करके ये पनीर जो था इसको हल्का सा भून लिया है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है, हल्का सा मैंने भून लिया था। और जो बचा हुआ घी आप पैन में देख रहे हैं इसी में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैंने घी नहीं लिया है, या फिर कोई भी ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसे कुकर में बना रही हूँ तो आराम से ये बन जाएगा। सो गर्म हो जाने के बाद घी में मैंने डाल दिया जीरा और साथ में डाल दिया है हींग। और ये अच्छे से स्प्लैटर होने के बाद चॉपर में आप देख सकते हैं मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अदरक को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है क्योंकि वो चॉपर में एकदम बारीक नहीं चॉप होता है तो मुंह में मुझे आता अच्छा नहीं लगता है वो, इसीलिए मैंने इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके डाल दिया है। और अच्छे से इसको डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और पहले मैं पेस्ट बना के डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसे चॉप करके डालूँगी तो इसके चंकी चंकी पार्टिकल्स मुँह में आएंगे, अच्छे लगेंगे खाते टाइम। तो आप पेस्ट बना करके भी डाल सकते हो और इस तरीके से चॉपर अगर आपके पास मैनुअल है तो इसमें काफ़ी फाइन चॉपिंग जाती है तो वो डाल सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। और उसके बाद मैं डालूंगी, अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है। और ये डाल करके मैं इसको भी भून लूंगी और साथ में इसमें अभी हम ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में इसमें मैं डालूंगी नमक अगेन ताकि टमाटर जल्दी से भुन जाए। और उसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने हल्का सा इसमें लाल मिर्च डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि एक मिर्ची मैंने हरी भी डाल दी थी तो मीडियम तीखा मुझे इसे रखना है। तो बस धनिया और हल्दी और थोड़ी सी मिर्च और नमक, ये बेसिक से जो मसाले होते हैं वो डाल करके अब मैं इसे ढक करके अच्छे से भून लूँगी। तो अब ये टमाटर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गल गए हैं, एकदम मशी हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा रफली चॉप्ड अनियन और ये मटर इनको मैं डाल दूंगी इसमें, थोड़े से मैंने जैसा बताया कि चंक्स आते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम डालूंगी, आलू भी मैंने एक चॉप कर लिया था बाद में, और गोभी है और बीन्स है, गाजर है, इन सबको मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया एक साथ। तो गोभी थोड़ी सी मैंने ब्लांच कर ली थी तो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी इसलिए मैंने उसको बड़ा रखा है। गाजर जो है इसको थोड़ा सा छोटा किया है क्योंकि वो जल्दी यू नो गलता नहीं है, तो बाद में एकदम अलग अलग से सब्ज़ी नहीं लगनी चाहिए, सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जानी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने सब्जियों का जो काटा है शेप वो उसी हिसाब से मैंने रखा है, किसको बड़ा किसको छोटा रखना है वो उस हिसाब से है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा और नमक जो बाकी की सब्जी के हिसाब से मुझे चाहिए था वो भी मैंने ऐड कर लिया है। तो बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला भी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ आधा चम्मच के करीब मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक करके इसको पका लेंगे।
तो बस थोड़ी सी सब्जियों को मैंने भून लिया था एक दो मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये जो भुना हुआ पनीर है, इसको डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं कुकर जो है वो बंद कर दूँगी, और बस एक सीटी लग जाने के बाद सब्ज़ी जो है इसमें अलग से बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा मुझे पानी ऐड करना है क्योंकि कुकर की जो लिड है वो बंद करूँगी तो सब्ज़ी जल ना जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद इसमें एक दो विसल लगा लूँगी, मैंने एक ही विसल लगाई थी, आप दो विसल भी लगा सकते हो जितना आपको मशी चाहिए, जितनी बड़ी सब्जियां आपने चॉप की हैं उसके हिसाब से। तो एक विसल में मेरी जो सब्ज़ी है वो पक गई थी, स्टैंडिंग टाइम मैंने इसको दे दिया था, उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद ही खुला था। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी 10 मिनट करीब लग जाएगा, तब तक मैं रायता यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ। तो रायते के लिए मैंने फ्रेश घर का होममेड दही लिया है, और उसके अंदर मैंने जीरा को फ्रेशली भून करके क्रश कर लिया है वो डाला है, उसके ऊपर मैंने नमक डाला है, उसके अलावा मैंने थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर डाली है, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है खीरा और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, अच्छे से ग्रेट करके और कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से चॉप कर लिया मैंने, और बस इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी है फॉर योर वेट लॉस पर्पस। तो रायता तो मैंने रख दिया है रेडी, अभी मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैंने अभी इसको मिक्स कर लिया तो ये हो जाएगा खट्टा, तो इसीलिए जब खाना होगा बस मैं इसे मिक्स करूँगी और सर्व कर दूँगी। तो हमारा रायता और सब्ज़ी जब तक तैयार हो रहे हैं तब तक मैं लगा लूँगी आटा, और आटे के लिए मैंने ये लिया है ज्वार का आटा है ये, और साथ में गेहूँ का आटा, मैंने 50-50% के हिसाब से आधा गेहूँ का आटा है और आधा ज्वार का आटा है, इसको मैं हल्के गुनगुने पानी के साथ में मार लूँगी, और इसमें मैंने कोई नमक या ऑयल वगैरह नहीं डाला है, जस्ट इसको इसी तरीके से गून लूँगी आटे को, और उसके बाद बस ये रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद सा डो है, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन नहीं होगा क्योंकि इसमें ज्वार भी डाला हुआ है मैंने, तो रोटी इतनी परफेक्ट वैसी नहीं बनती है जैसे आटे की बनेगी, बट बहुत टेस्टी लगती है, और इस सब्ज़ी के साथ में ये रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको रोटी भी बना के दिखा देती हूँ, ईजी होता है, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, बट ये रोटी जो है गरम गरम खाने में बहुत अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद थोड़ी सी ये उतनी सॉफ्ट नहीं रहती है जैसे कि प्लेन गेहूं की जो रोटियां होती हैं, विंटर्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रहता है, और वैसे भी अगर आप वेट लॉस पे हैं तो इस तरीके से आटे को मिक्स करके खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है और वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, तो कोई भी आटा आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने एक बार मिस्सी की रोटी भी बनाई थी अपने एक डाइट प्लान में, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में, तो इस तरीके से मैं चेंज कर करके रोटियां बनाती हूँ, उससे टेस्ट भी चेंज होता रहता है और डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इस तरीके के आटे की रोटियां बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो बस ये रोटियां जो हैं वो मेरी बन चुकी हैं, तो इसमें मैं लगा लूँगी घी, घी लगाकर गर्मा गर्म ये वाली रोटी आप एक बार ज़रूर खा के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा और आपका मन करेगा रोज़ खाने का जैसे मेरा करता है। एनीवेज ये रोटी बन गई है, और यहाँ पे देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो चुकी है, धनिए से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, और देखिए गरम गरम सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है सब्ज़ी, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको इस तरीके से बनाने के लिए। तो चलिए हमारी सारी रेसिपीज़ तो हमने बना ली हैं, अब अपनी थाली को सजा लेते हैं। तो इसमें मैंने रख दिया है ये मिक्स वेज, उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है खीरे का रायता जो कि बहुत ही यम्मी था, इसको मैंने बाद में मिक्स कर लिया था सर्विंग के टाइम पर। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर गुड़, गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए, और इस वाली मील में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सैलेड में ले लिया है थोड़ा सा खीरा और थोड़ा सा रेडिश यानी कि मूली, क्योंकि सीजनल चीज़ें जब आप खाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा रहता है, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं फॉलो करती हूँ रुजिता दिवेकर इंस्पायर्ड डाइट प्लान, और उनके हिसाब से सीजनल चीज़ों को आप भरपूर तरीके से खाइए ताकि आपको जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट आपको इजीली मिल पाए, और इसको बनाना भी आसान है, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो देखिए मेरी थाली एकदम सज गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है, कलरफुल थाली है।
तो यस, ये है मेरी थाली। और यहाँ पर छोटा सा आपको टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि विंटर्स में गुड़ आप ज़रूर अपनी हर मील में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये आपको विंटर्स में गर्माहट देता है, साथ में डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू की तो बात ही क्या कहनी, बहुत ज़्यादा आयरन भी इसमें पाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सबके साथ में, कॉमेंट करके मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।